और आपके साथ 41 की जी कुछ देर पे आ गए हैं, बाकी अभी है। कंडीशन सर अभी आजमाइश ही चल रही है, लेकिन हमारी औरतें जो हैं वो हिम्मत वाली भी हैं। डॉक्टर साहब की तबीयत भी बहुत खराब हुई। हमारी एक खातून जो है वो जेल एंटर होते रिमांड के बाद जैसे हम लोग गए तो जेल एंटर होते वहीं बेहोश हो गई थी। उनकी कंडीशन काफी खराब थी और उनके पास फर्स्ट एड भी नहीं थी जेल के पास कि वो उसको प्रोवाइड कर सके। काफी ज्यादा हालात हमने बैठ उस कंडीशन में देखे, लेकिन हमने हिम्मत का मुद्दा रख दिया। और क्या प्रेशर क्या डाल रहे हैं कि क्या कोई अप्रूवल बने या क्या है, क्या कहते हैं छोड़ेंगे कब? सर छोड़ेंगे, बस एक फॉर्मेलिटी चल रही है जिसमें उन्होंने रखा हुआ है सबको और वही सारा प्रोसीजर चल रहा है। छोड़ने वाला ये है कि जो वो कहते हैं कि जी आप बयान हल्फी भैया इस तरह कुछ चीज दे दें तो हम आपकी जाने छोड़ देंगे। जब हम लोग कहते हैं कि आप एक प्रोसेस जो आपने आप FIR काट दी, सर मैं अब अपनी एग्जांपल दूं तो मैं 18 डेज रह के आई और मैंने बार बार कहा कि आप मुझे मेरी FIR दिखाएं, मुझे दिखाएं तो सही, आपने मुझे नामजद किया है या क्या है सिचुएशन? सर वो 18 डेज में मुझे आज तक नहीं दिखाई गई थी FIR और हम सब नामालूम उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सर एक मतलब एक मैं तो सर लॉयर हूँ, लेकिन बाकी जो खवातीन हैं उनके तो मुस्तकबिल सारे हो रहे हैं ना, लेकिन वो किस लिए वहाँ बैठी है? वो आपके लिए बैठी है, वो अपने लीडर के लिए बैठी है और सर हम सब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह। चलिए तो अल्लाह मुश्किल वक्त से गुजारता है जब इंसान अपने हकूक और आजादी के लिए खड़ा होता है। चले हमारी शुक्र है आप दोबारा आपका ये था जियो फेंसिंग के ऊपर बताया। जी सर जियो फेंसिंग तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप कंट्रोलमेंट में मुजाहरा नहीं कर सकते? लिखा ही नहीं हुआ। हमें देता है कौन सा?